साउथ कोलकाता के संगोष्ठी क्लब में पूजन के बाद कार्तिक बनर्जी के हाथों झंडा तोलन हुआ, जहां अरूप विश्वास के अलावा कई सियासी और सामाजिक शख्सियत मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जश्न आजादी का आज 75वां साल है, क्या बोलना चाहेंगे इस मौके पे? 15 अगस्त है, इससे बड़ा कोई दिन हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, लेकिन स्वाधीनता तो हम लोग के लिए हुआ है, सबको लिए होना चाहिए। अच्छा, और ये भी अच्छा हुआ जी, स्वाधीनता 75 ईयर अभी हुआ है, पूर्ति हो रही है। हम लोग बहुत खुशी है, जो लोग देश के लिए बलिदान दिया है उस लोग का हम लोग कभी नहीं भूले, ये हम लोग कोशिश करेंगे। और उस लोग का जो काम किया है उस लोग का पद में हम लोग को जाना पड़ेगा। दादा, कल से आप लोगों का खेला होबे का शुरू हो रहा है, कल दिवस है खेला होबे दिवस, और भारतीय जनता पार्टी कल ही दिवस मना लिया, क्या बोलेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है। हम लोग ममता बनर्जी जो बोला वही काम करेंगे। खेला होबे तो बेंगल सब खेला, फुटबॉल हाँ, लेकिन अभी थोड़ा बंद हुआ था, फुटबॉल थोड़ा कम गया था, तो अभी दीदी उसको जगा रहा है, ये तो अच्छा काम है। ये क्लब के जो टीम मेंबरान है जो इतना काम कर रही है, क्या बोलना चाहेंगे? वो अच्छा ही काम है, आजादी से बड़ा चीज कोई हो नहीं सकते। अच्छा, आज से 75 साल पहले हम लोग को जो आजादी मिला है जी, वो आजादी हम लोग को रखना नहीं है, वो आगे बढ़ना है जी। बहुत आदमी को बलिदान का बाद ये आजादी हम लोग को मिला है, ये अवसर में वो लोग का हमको याद रखना चाहिए। ये जो बलिदान दिया है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे दादा? जो बलिदान दिया है, जो बलिदान का मुताबिक हम लोग स्वाधीनता हम लोग को मिला है, आजादी मिला है जी, वो लोग को जो सपना था वो हम लोग का अभी वहाँ जाने नहीं सका है। वो लोग का सपना था ऐसा देश होगा जिस देश में कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, उसका सपना था ऐसा देश होगा जो कोई आदमी के इलाज के लिए कोई समस्या नहीं होगा, वो देश अभी तक हुआ। आखिरी सवाल दादा, जिस तरह से संविधान बना है बरसों पहले, क्या ये इस पे अमल किया जा रहा है दादा? देखिए, भारतवर्ष नया जो सरकार अभी देश चल रहा है जी, वो संविधान को भी उल्लंघन किया है। बहुत ये हिंदी में बात करना बहुत प्रॉब्लम है मुझे। नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे दादा, बोल। लेकिन 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस डे हो गया, हम लोग को मन में जो विश्वास था कि हम देश के लिए करेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं बहुत, किंतु पार्टी लोग जो पार्टी करते हैं वो लोग देखा हुए नहीं है, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि कितना का काम करेगा, लेकिन हम लोग जो जनरल आम जनता जो है वो लोग चाहता है जे हम लोग का जो मुनिषी लोग जो था, ये तो सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, भगवत सिंह, वो जो आदर्श में चल रहा था वही आदर्श में हम लोग को चलना के लिए इच्छा है। हम लोग ट्राई करेंगे सब लोग एक साथ मिल मिस कर रहने के लिए, इसके अलावा हम लोग का कुछ कोई होता ही है, सब लोग जो है पॉलिटिकल नेता लोगों के पास ही है, हम लोग का जो है आपस में यूनाइटेड होना हम लोग हो जाएंगे। दादा, सेंट्रल में जो सरकार बैठी है, क्या जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था बरसों पहले, क्या उस पर अमल हो रहा है क्या दादा? अभी देखिए, हम ये तो ये पॉलिटिकल बात है, हमने नहीं घुसेगा, लेकिन हम लोग हम पॉलिटिकल है नहीं, हम पॉलिटिकल के लिए कोई लेना देना है नहीं, हम आइन आइन के पथ में चलेगा, जो नहीं मानेगा जो सेंट्रल के हो और किसी के हो तो उसका गलती होगा, हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग एकदम निर्भेजल जो बोलते हैं हम लोग एक साथ चलने का बोल दिया। खेला होबे 16 अगस्त को खेला दिवस मनाया जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? खेला होबे ये तो एक देखिए खेला होबे जो दीदी का एक स्लोगन है, दीदी पॉलिटिकल के लीडर भी है लेकिन आम जनता के लिए दीदी है, उसके मन में वो इतना जो पॉलिटिकल प्रोटोकॉल वो मानता नहीं, वो हम लोग के साथ आम जनों के साथ मिलता है, उसका जो उन्हीं जो बोला है ना खेला हुए हम सोचता गुड सेंस से बोल रहा है, तो हम लोग उनके पास ही है, जो होगा हम उनके साथ हम चलेगा। और इसी वजह से पूरा भारत, पूरा इंडिया आज ये खेला होबे को अपना हिसाब से मनाया जा रहा है, जैसा आप देखे हो कि कहीं खेला हो रहा है कहीं दूसरा कुछ हो रहा है, तो इंडिया ने हमारा जो पहले जैसा होता था कि पूरा इंडिया बंगाल को फॉलो करता था, तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है हमारा दीदी का नेतृत्व से, इसमें कुछ पॉलिटिकल हमारा एजेंडा नहीं है,
लेकिन जो चीज़ हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि एक ज़माने में जो बंगाल पूरा इंडिया को अपना जो रास्ता है वो दिखाता था और इंडिया उसको फॉलो करता था, जो आज होता था बंगाल में वो कल होता था इंडिया में, ऐसा कुछ स्लोगन था पहले क्या? तो वो आज के तारीख पे वो चेंज हो गया था क्योंकि बंगाल को कुछ वजह से, इसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग दोषी नहीं मानेंगे, लेकिन जो हिसाब से ये चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, एक फासला हमारा जब से ये इंडिपेंडेंस आया है तब से हम लोगों ने देखा है कि हम लोग कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का वैसा, उसी तरह जैसा हम लोगों को मिलना चाहिए था वैसा कभी हम लोगों को मिला नहीं है। लेकिन ये डबल इंजन और बाकी चीज़ जो है ये सब पॉलिटिकल मतलब ये मुद्दा है, इनको लेके हम लोगों को बात करना ठीक नहीं है। हमारा क्लब का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है हम लोग पॉलिटिकल नहीं। संगोष्ठी क्लब जो मेंबरान है उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे जो हमेशा एक्टिव रहे? संगोष्ठी क्लब साउथ कलकत्ता का एक ऐसा क्लब है, हमारा प्रेसिडेंट है श्री शिव शंकर चटर्जी, और संगोष्ठी क्लब कलकत्ता का, साउथ कलकत्ता का स्पेशली ऐसा क्लब है जो आपने सुना हमारा जो कन्वेनर है श्री कार्तिक बंदोपाध्याय, उन्होंने भी थोड़ा देर पहले बोल रहा था, उन्होंने क्या बोल रहा था कि एक जमाना था जब संगोष्ठी, संघमित्र और ये तेजपोली, ये सब, ये चार पांच तो ही क्लब था आज से 20 साल 30 साल पहले, तब कोई पॉलिटिकल पूजा होता नहीं था इस एरिया में। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी पूजा एक दूसरा माहौल ले लिया है, तो बहुत सारा इसमें क्या है कि इसमें ये अच्छा है क्योंकि आप जानते हो कि दुर्गा पूजा ऐसा चीज़ है जो ऑल ओवर इंडिया में इससे ज़्यादा पॉपुलर कोई फेस्टिवल होता नहीं है, चाहे वो कुछ भी फेस्टिवल के बारे में आप बता दो, लेकिन ये एक रीजनल फेस्टिवल होने के बावजूद ये एंटायर इंडिया में ये जो जगह बना ली है अपना ये दुर्गोत्सव, ये शायद दूसरा कोई फेस्टिवल नहीं बना पाया। आप अपना परिचय दे। मैं कल्चरल सेक्रेटरी हूँ संगोष्ठी क्लब का, मेरा नाम है अम्लान बासु। ये पूजा देखने आते थे यहाँ पे, आप शायद बिलीव नहीं होगा कि ये कम से कम 2 किलोमीटर का लाइन होता था पूजा देखने आता था, तो और यहाँ पे मैंने संगोष्ठी का पूजा नहीं देखा था, उसका पूजा नहीं हुआ ऐसा था। अभी इस पूजा में हमको इन लोगों ने जो काम करने के लिए हमको यहाँ बुलाया है, मैं उसके लिए आभारी हूँ, और क्लब का सबको हमें शुक्रिया दिल से देता हूँ। इतना साल पुराना जो है ये क्लब है, क्या ममता बनर्जी यहाँ आती थी? हाँ जरूर यहाँ आती थी, वो आज भी वो आते हैं। ये उन्हीं का एक क्लब है और उन्हीं का छत्र छाया में ये क्लब आगे बढ़ा है। आज पूरा भारत जो है जश्न आज़ादी मना रहा है, कहीं देखा जा रहा है कि सेंट्रल सरकार जो बैठी है कुछ आवाज़ नहीं लगा रही है, कुछ एक ट्वीट भी नहीं कर रही है, जिस तरह से कानपुर का वाकया हुआ कि एक जो है माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम को वहाँ पे मारा गया, मारते मारते बोला गया कि जय श्री राम बोलिए, ये कहाँ तक उचित है बताइए? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि धर्म जो आज के पूजा का दिन है, धर्म है, धर्म के साथ खेला का, धर्म के साथ पॉलिटिक्स का जुड़ना नहीं चाहिए। मेन प्रॉब्लम ये हुआ जिस दिन धर्म के साथ सब कुछ जुड़ गया है, तो ये जुड़ा है इसीलिए कि पॉलिटिक्स में धर्म को जोड़ के आदमी को डिवाइड एंड रूल कर सके, जो ब्रिटिश पॉलिसी था, इसके वजह से आज धर्म को लेके इतना मारामारी चल रहा है। आज़ादी का दिन है, हम लोग यहाँ पे अलीगढ़ में आया संगोष्ठी 75 इंडिपेंडेंस डे, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, आई एंजॉय, होपफुली बाद में जब भी करेगा। जेकेबी न्यूज की और वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता करने के लिए नीचे दिए गए पेमेंट मोड द्वारा राशि चुनें।